बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, सफ़ेद जीके एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ आज की अहम तरीन अपडेट के साथ आप सब की खिदमत में एक नई वीडियो के साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि सफ़ेद जीके एकेडमी जो है डेली अपडेट करता है अबाउट पीपीएससी, एफपीएससी, एफआईए के अबाउट जो भी न्यूज़ होती है हम डेली अपडेट करते हैं। तो जनाब आज की अपडेट की को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियो भी मिल सके। आज की अहम तरीन न्यूज़ पीपीएससी के मतलब कोई इतनी ख़ास न्यूज़ नहीं है, लेकिन जनाब पीपीएससी ने जो है अपकमिंग जॉब के अंदर जो है 73 पोस्ट जो कि असिस्टेंट पंजाब पुलिस में और 305 पंजाब पुलिस में स्टेनोग्राफर की जॉब्स हैं, इसके अलावा 1000 मेडिकल अफ़ीसर भर्ती करने का फ़ैसला किया गया है। तो ये आज की इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी। इसके अलावा जनाब जो सर्विस सेंट्रल ऑफिशियल जो चेन्यूड का टाइपिंग टेस्ट का रिज़ल्ट आया था उसके बाद 19 जुलाई को उसका इंटरव्यू भी है। तो होपफुली कि जनाब इनका इंटरव्यू हो जाएगा और इंशाल्लाह ताला इसके फ़ौरन बाद इनका रिज़ल्ट भी आ जाएगा। तो यहाँ से एक बात वाजिया और क्लियर बात नज़र आ रही है जनाब, बाकी जितने भी सर्विस सेंट्रल ऑफिशियल की जॉब्स हैं उनका टेस्ट भी होगा, इंटरव्यू भी होगा और बाकायदा वो सिलेक्ट भी होंगे। किसी किस्म की कोई रुकावट का हिस्सा नहीं बनेगा, कोई भी बंदा रुकावट का हिस्सा नहीं बनेगा। तमाम लोग ये जो मतलब लोगों ने र्यूमर फैलाए हुए हैं कि जॉब ख़त्म हो गई हैं, पटवारी भर्ती किए जा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। बल्कि सर्विस सेंट्रल ऑफिशियल का काम और है, पटवारी जो होते हैं ये फील्ड का काम करते हैं, सर्विस सेंट्रल ऑफिशियल वाले जो लोग होते हैं वे दफ्तर में बैठ काम करते हैं। तो इंशाल्लाह ताला जनाब ये सारी जॉब जो है कंटिन्यू रहेंगी और आप अपनी टाइपिंग और प्रोफिशिएंसी अपनी बेहतर बनाएं। ईद के फौरन बाद इन सब के टेस्ट हो जाएंगे। इसके अलावा सब इंस्पेक्टर के बारे में जो है अभी तक कोई कन्फर्म नहीं हुआ कि उनका विदड्रा किया जा रहा है या पेपर होगा, लेकिन होपफुली कि इस बैच को चलने दिया जाए और या फिर ये होगा कि एएसआई की सीटों को जो है कन्वर्ट सब इंस्पेक्टर की सीटों को एएसआई में रिवर्ट कर दिया जाए। और इसके अलावा जनाब पीपीएससी के अबाउट कोई ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, लेकिन यह है कि इंशाल्लाह ताला ईद के बाद जो है बहुत सी जॉब अनाउंस होंगी और उसके बाद इंशाल्लाह ताला आप अपनी तैयारी जारी रखें। अगर आपने तैयारी अपनी छोड़ दी और आप ये समझ के जी आज हमारा जो है आज हम खेल लेते हैं कल पढ़ेंगे, तो ऐसे लोग कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। आप हर दिन को अपना आखिरी दिन समझ कर तैयारी करेंगे तो इंशाल्लाह ताला जो है ना आप सबको इसके बारे में जो है आपको कामयाबी भी मिलेगी। जिस तरह आपको पता है कि हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट ने टेस्ट दिया और सिर्फ 2 बंदे सेलेक्ट हुए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के टेस्ट में, लेकिन आप ये देखें कि उसका मेरिट जो है 90+ में आया है। तो 90+ में मेरिट आया है और 90+ में वो नंबर लेने में कामयाब हुए हैं कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो इसलिए जनाब आप लोग भी अपना अच्छी तरह से ये वो करें ताकि आप लोगों को भी इसमें फ़ायदा हो सके। आज हमारी एकेडमी का ऑनलाइन टेस्ट सिस्टम जो है, आज हमारी एकेडमी की सेंचुरी थी टेस्ट की। तो तमाम वो लोग जो मुसलसल टेस्ट दे रहे हैं उनको जनाब मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो जनाब अपना 100 टेस्ट देने में कामयाब हुए हैं। इन 100 टेस्ट का मतलब है उन्होंने कम अज़ कम जो है 25,000 MCQ तैयार कर लिए हैं। तो इंशाल्लाह ताला हम जो है टोटल 200 टेस्ट रखेंगे, 200 के बाद फिर दोबारा से रिवाइज शुरू कर देंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।